करना है तो जो आपने ओपन किया हुआ है उसके अंदर अल्फा की जगह वन, बीटा की जगह बी, गामा की जगह बी पुट करोगे। करने के बाद जब इसकी सिंप्लीफिकेशन करोगे, कैंसिलेशन करोगे, तो एट द एंड इसका आंसर भी आपके पास ये टर्म बन जाएगी। इसी तरह थर्ड वाले में ए वन ए कैलकुलेट करना था, तो अल्फा की जगह ए, बीटा की जगह वन, गामा की जगह ए पुट करोगे, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ये आंसर आ जाएगा। तीनों फंक्शंस का ये आंसर आया। अब हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर राइट हैंड साइड सॉल्व करके भी ये आंसर आ जाता है तो ये सारी टर्म्स आपस में इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब राइट हैंड साइड थी वन ओवर वन माइनस एक्स, वन ओवर वन माइनस एक्स को मैं वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन भी लिख सकती हूँ, और जब मैं इसे बायनॉमियल थ्योरम से ओपन करूँगी तो ये माइनस बेसिकली इस माइनस के साथ जब एक्सपेंड होगा तो ये पूरी की पूरी ये वाली सीरीज बन जाएंगी। तो आप गौर करो, जितने भी फंक्शन सॉल्व किए उसका भी आंसर यही आया। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही है। सिंपल फॉर्मूला पुट करने की ट्रिक पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में भी आपके पास हाइपरजोमेट्रिक का है, आपने हाइपरजोमेट्रिक का फॉर्मूला लिखना है। अल्फा की जगह माइनस एन, बीटा की जगह वन, गामा की जगह वन और एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना है। जो जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है वो लिख लेनी है। सब्सटीट्यूट करने के बाद जो जो माइनस माइनस होंगे वो प्लस हो जाएंगे। जहाँ कहीं पर कैंसिलेशन कोई होगी वो कैंसिलेशन कर देनी है। इसको करने के बाद एक इक्वेशन ये दे देना है, वन प्लस एक्स की पावर एन है, इसको भी बायनॉमियल से ओपन करोगे। जब आप इसे बायनॉमियल से ओपन करोगे, बायनॉमियल का फॉर्मूला लग के ये आंसर आएगा। आप देखोगे इसका भी वही आंसर आया था जो पिछला सॉल्व किया, वो भी वही है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसके अंदर भी यही काम है। आपको एफ दिया हुआ अल्फा बीटा गामा एक्स, अल्फा की जगह वन पुट करना है, बीटा की जगह वन, गामा की जगह टू और एक्स की जगह माइनस एक्स। आपने पहले फॉर्मूला लिख लेना है, उसे एक दो टर्म्स तक ओपन कर लेना है। सारी के सारे सब्सटीट्यूशन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन आपने लिख लेनी है। वन बाय वन जब पुटिंग करोगे सिंप्लीफाई करके, आपके पास इसका आंसर बेसिकली ये वाली टर्म रह जाएगी जो यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन नंबर वन का नेम दिया होगा, ये वाली टर्म बनेगी। इसको करने के बाद राइट हैंड साइड देखनी है, नेचुरल लॉग वन प्लस एक्स ओवर एक्स होना चाहिए। नेचुरल लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज़ लिखोगे, इसकी सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए, आपने सीरीज़ लिखनी है। उसके बाद उसको डिवाइड एक्स से करना है, एक्स से डिवाइड करोगे, तो करने के बाद एट द एंड ये वाली वैल्यू वही बन गई है जो आपके पास इक्वेशन नंबर वन में थी। इन दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगी, तो यहाँ से यही चीज़ इक्वल प्रूव आपके पास हो जाती है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स हैं, ये सेवन है, ये वाले आपने खुद ट्राई करने हैं। टेक्निक वही है, कॉन्फिडेंट कैलकुलेट करना है, फार्मूला लिखना है, एक्सपेंड करना है, अल्फा बीटा गामा एक्स जो जो वैल्यू है वो पुट करनी है, सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर वन का नेम दे देना है। इसी तरह जो आपके पास राइट हैंड साइड है उसके फार्मूलास लिख लेने हैं, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेना है। करने के बाद एंड टू एंड दोनों को कंपेयर करना है तो आंसर इक्वल होगा। आपको बेसिकली बस ये सीरीज याद होनी चाहिए किस टर्म की क्या होती है, कोस साइन टेन इन सबकी याद कर लेनी है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव में भी फॉर्मूला लिख लेना है, अल्फा बीटा गामा एक्स की जगह सब्सटीट्यूशन कर लेनी है, इक्वेशन का नेम दे देना है, राइट हैंड साइड पे टेन इनवर्स एक्स।